हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हमारा फ़ोन जीमेल हैक क्यों होता है, तो इसके पीछे जो वजह होती है इसमें कुछ न कुछ हमारी ही गलतियां होती है, हमारी गलती की वजह से हमारा जीमेल हैक होता है। तो मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी प्रोसेस है मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने जीमेल को हैक होने से बचाओगे। तो इससे पहले, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं सतीश देव यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा जीमेल हैक होता है ये क्यों होता है, सबसे पहले अगर हम अपना जीमेल किसी को जब तक बताएंगे नहीं, हमारा जीमेल किसी को पता कैसे चलेगा कि हमारा जीमेल आईडी क्या है, तो ये क्या कारण है जो हैक होता है। तो मैं बता दूं कि आप जब भी हम अपने वेबसाइट पर किसी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के हम सर्च करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो जीमेल आईडी है वो भी उनके पास जाती है कि मतलब इस आईपी एड्रेस से, इस जीमेल आईडी से सर्च हुआ है। तो ये रीज़न है जो हमारा जीमेल आईडी हैक होने का। और उसके बाद जो दूसरी वजह है, हम कोई भी जब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी से, तो पता नहीं कैसी एप्लीकेशन है क्या है, हम तो इस चीज़ को नहीं जाते, हम लोग जाते हैं और सीधा डाउनलोड कर लेते हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसका रेटिंग वगैरह जो भी है अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें कि उसका जो क्या है, मतलब जो भी मतलब आपको मतलब उस पे व्यू वगैरह देख ले आप कैसा है, मतलब कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, रिव्यू कैसा है, तो इस तरफ से आप जांच पड़ताल करके ही उसे डाउनलोड करें। तो क्या होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद उस पे ओपन करने के बाद अलाउ का परमिशन मांगता है, तो परमिशन जैसे हम देते हैं तो हमारे जीमेल को एक्सेस कर लेते हैं उनका, मतलब जो है उनके पास हमारा जीमेल आईडी चला जाता है और इस तरह से हमारे साथ वो छेड़छाड़ करते हैं। तो कुछ तरीके मैं बताऊंगा जो आप अपने जीमेल आईडी को उनका जो फ़ोन है एक्सेस साइट वहां से आप एक्सेस जो है वो रिमूव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ आप कैसे अपने जो जीमेल है उसको आप वहाँ से एक्सेस को रिमूव कर पाओगे। तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। फ़ोन को सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, किसी किसी में गूगल होगा, किसी में अकाउंट होगा। तो मेरे में जो है अकाउंट है, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो गूगल मिल जाएगा, गूगल। तो मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट मिल जाता है, मैंने इसे क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको जैसे ही गूगल ओपन करो तो इस टाइप का ओपन नज़र आएगा, होम, पर्सनल इन्फो, डाटा पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे जैसे ही तो आपको नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड पार्टी जो एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, थर्ड पार्टी एप्स विथ अकाउंट एक्सेस, मतलब आपका जो थर्ड पार्टी होती है एप्लीकेशन साइट कहाँ कहाँ पे आपका जीमेल एक्सेस है। तो मैं मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ और ये ओपन हो रहा है, आपको बता रहा हूँ कैसे ये काम करेगा, कैसे आप बाहर आओगे एक्सेस से। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने जहाँ जहाँ एक्सेस दिया है अपने फ़ोन से, ये दिखा रहा है पिक्स आर्ट, फोटो एडिटर, पिक्साबे, ट्यूब बडी, यहाँ यहाँ पे मेरा जीमेल एक्सेस है। और एप्लीकेशन की बात करें तो फेवी एप्लीकेशन है, यहाँ पे मेरा जीमेल एक्सेस है। अब मैं इनसे बाहर कैसे आऊँगा, मतलब उनके यहाँ से मेरा जीमेल कैसे हटेगा। तो मैंने जैसे फेवी एप्लीकेशन है, मैंने इसे यहाँ पे ओपन क्लिक किया तो रिमूव एक्सेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है और ये बता रहे हैं आप यहाँ से मतलब रिमूव होना चाहते हो, तो मैंने इस पे ओके क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं अकाउंट एक्सेस रिमूव्ड यहाँ पे लिख रहा है। अब इस तरफ से मेरा वहाँ से जो जीमेल आईडी है उनके यहाँ से मेरा रिमूव हो गया है। आप भी इस तरह से अपने जीमेल को रिमूव कर सकते हो उनके यहाँ से। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी है मेरी वीडियो आज की। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मैं ऐसे ही आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।